सब तबई निज़ाम फितरती इन वो फितरत दिना पा के समाज को ना सा कि खड़ू खाऊँ कि पियूँ कि दिमाग कम कि दिल कम कि जे भी तबई निज़ाम जिसम जहाँ वो सब अस फितरत दिना वो फितरत जो हिस्सों नेचर आ जी असो शौर के बुनियाद से असो क्यों था समाज में वो अस समाजी पासो इन कर इंसान इन सदी कायनात जो वाहिद अंसर आको फितरती भी है जो समाजी भी हाँ बिन्हीं शयन की सूरत में इंसान छो करे खबर होंगी तो शौर के चब आ शौर छी पैदावार है इंसान कड़ी गाल में मुमताज़ आ मुनफर्द मुख्तलिफ़ आ सारी कायनात का बाकी सारी जिंदगी का जीवत का इन करे जो इंसान तस्वर कर सके तो कायनात की बी का भी शै हेस ताई साबित कोन थी का भी जिंदगी जो को भी अड़ो आंसर न मिलो जो इमेजिन कंदो हुए जैके पावर ऑफ इमेजिनेशन हो जो तस्वर कर सकते हो इंसान के शौर जो वो हासिल यो तो इंसान तस्वर कर सके तो तसा मानू को मिलो ना तुम तस्वर कर पक ही हों अमेरिका न वे वनो पा तस्वर कर अमेरिका हिं हों तें बे मुल्क वे वह शे हिं होंगी हर शे के बारे में तड़ा तस्वर तखली कर तस्वर कर ये शे होंद अंदाजा तस्वर के बुनियाद इमेजिनेशन इन कर इंसान तस्वर करे तो इंसान सोचे तो इंसान अंदाजा हाने तो स्पेकुलेट करे तो इंसान महसूस करे तो कावड़ के महसूस करे तो दुख के महसूस करे तो मोहब्बत के महसूस करे तो रिश्तों के महसूस करे तो खुशी महसूस करे तो दुख महसूस करे तो कावड़ महसूस करे तो मफाद महसूस करे तो कें माहौल में खुश आ तो उनके पान मुरादो खुशी महसूस थे थी हसीन शे दिसी खुश थे तो इंसान की जेका फैकल्टी आ एकड़ी रीजन की फैकल्टी आ इंसान की अकल की फैकल्टी आ जेका सोचे थी इमेजिन करे थी स्पेक्युलेट करे थी बी इंसान की सेंसेशन की फैकल्टी आ महसूसात की फैकल्टी आ अंदर पूरे जहान आ मानू जेका महसूस करे थी ही जेके शिकलियो यो पान पो गलायो था इन गाल ते जेको असा आम तरह अदीबन वट ये घणा इस्तेलाल हंदा इन असा जान में वजदान इंट्यूशन कॉग्निशन कंसेप्शन परसेप्शन ये घणो एकड़ो लंबी लिस्ट आ यो मौजू फलसफे जो अमर सिंधु वेठी आ थ्योरी ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी यो सब्जेक्ट आ यो उनके वो डील करे तो जी जिंदगी दुनिया में हर शै के डील कर मखसूस इल्म तीन इन शयन के समझंदड़ ए समझाइंदड़ मखसूस इल्म यो बुनियादी तौर फलसफे जो सब्जेक्ट है पर इंसान के अंदर ही ब जहान है रीजन की फैकल्टी आ उनके सेंसेशन की फैकल्टी आ बस बस वो महसूस भी करे तो वो सोचे भी तो अच्छा हाँ जेका शै सोचे भी थी इमेजिन भी करे थी स्पेकुलेट भी करे थी वहा महसूस भी करे थी वह कॉग्निशन में भी है इंट्यूशन में भी है वजदान में भी है बस वो इजहार किए न कंदी यो मुमकिन है तो जो वजूद जेका एंटिटी जेका शै एडी ऑटो डायनामिक हो एडी जिंदा हो सृष्ट में वह सृष्ट में किएं न इजहार कंदी उनको मानू मानी खुन ला इजहार करे तो मानू बुख ला इजहार करे तो मानू कावड़ जो इजहार करे तो मानू प्यार ला इजहार करे तो मानू खौफ जो इजहार करे तो सलामती जो इजहार करे तो अदम सलाम इजहार करे तो हर शे ला कम्युनिकेट करे तो इन कर तो बोली ठाई उन यो कि मुमकिन आ तो हूँ पंजा सुपीरियर कम अथस बुख ला इजहार करे तो हर शे ला इजहार करे तो यो कि मुमकिन आ तो मानू सोचे इमेजिन करे महसूस करे तस्वर करे उनको इजहार न करे यो कि मुमकिन आ इन कर इंसान पैंजे तस्वरन पैंजे ख्वाबन पैंजे हसरतुन पैंजे ख्वाहिशुन पैंजे अंदाजन पैंजी महसूसात इन सभी शयन जो इजहार तो हर को पे करे असा तो क्यों था पर जडे को मानू उन जो हसीन इजहार करे तो उहो जे गालहायल बोली में करे तो वो लोक अदब आ जैसे लिखत वाली बोली में करे तो उनके चबो अंग्रेजी में प्योर लिटरेचर जैसे चाहिए बोली सिंधी में अदब अस क्लासिफाइड ना है बोली नहीं करे उन अंग्रेजी में चबो उनके प्योर लिटरेचर लिटरेचर जनरली भी शे लिटरेचर मतलब साबुण रिश्ता लिटरेचर आ
लिटरेचर अंग्रेजी में चाहिए बात उन्हें मतलब कहते ही ना आए तक उन्हें मतलब अदब है लिटरेचर माना को भी लिखल मवाद उनके चाहिए बात प्योर लिटरेचर जैसे पाने तखलीकी अदब चलाएं तखलीकी अदब इन करे मानू पंजी सजी सोच पंजी तस्वरन ए ख्यालन ए महसूसात जो जदे गालहायल बोली में हसीन इजहार करे तो आम इजहार ना क्रिएटिव इजहार करे तो उन जो जो को अंदाज आ इजहार जो वो हसीन आ पंजी बोली में हसीन हो जे ए पंजे ख्याल जी सेहत में भी हसीन हो जे तो वो लोक अदब आ लिखल लवाती बारी बारी बोली में आ तो वो तखलीकी अदब आ ए जदे मानू बोली का मावरा पंजन ख्यालन तसवरन एहसासन जो इजहार कहीं भी फॉर्म में उनकी का बंदिश ना है जेको फॉर्म वणेस जेको उनके सूट करे वो ऑब्जेक्टिव शक्ल में हो जे या परफॉर्मेंस की शक्ल में हो जे वो उन जो इजहार करे तो वो फन ना मानू गलहाने में फनकार थी सके तो मानू लिखण में फनकार थी सके तो मानू रक्स में फनकार थी सके तो मानू गायण में फनकार थी सके तो मानू मिट्टी में मुजस्मा ठाण फनकार थी सके तो मानू मुसवरी में फनकार थी सके तो असान जी मायूं घर में ठाई बर्थ से बुआ वो फनकार आर्टिस्ट हैं पूरी आर्टिस्ट हैं बिल्कुल ये जी भट्टी साहब आए असान जी मायूं रिलियूं ठाई थी वो भी अड़ी ही आर्टिस्ट हैं जेड़ा आर्टिस्ट ही बया सब छो तो उन मखसूस माहौल में उन इजहार जहाँ मीडियम्स भी आन को जै इलाके पत्थर को रिल उत ख्याल में मुजस्म टो मुजस्म उत को जिसे पत्थर आए को जै मुआशरे में अना औरत के एक इंसान तौर एक बुनियादी आज़ादी को मिलियन उत ख्याल में तक यो अंदाजो है तो वह भी मुसवरू कदी इन करे हुआ पंजे घर में पंजे गोडे ते कमीसर के भरे थी पंजे बार जो फलको भरे थी रिली ठाए थी तो वह अड़ी आर्टिस्ट आए तक मैं एक गाल तो सलीमा हाशमी जी फैज की धी आ उनकी डॉक्टरेट इन गाल पीएचडी इन मौजूद आ तो असाज औरतू जिन फॉर्म्स में पंजो इजहार कन थी यो भी अड़ो ही आर्ट आ जड़ो बो आर्ट आड़ी सुनी गाल इन करे अदब ए फन के बारे में असि अंडरस्टैंडिंग यह होजन खपे बस फतन था वन टिकी गल इंसान पैं तस्वरन पैं ख्याल पैं ख्वाहिशन पैं हसरतुन पैं एहसासन पैं दुख पैं खुशी पैं कावड़ पैं तमन्नाऊं जेके भी उन एहसास ए शऊर जो अकल जहाँ लकाव आज सब उन सभी जो इजहार गालहायल बोली में करे तो वो लोक अदब आ लिखत वारी बोली में करे तो वो तख्लीकी अदब आ हसीन इजहार ए फॉर्म्स की कैदबंद के अलावा मजमू तौर जै भी मानू हले तो हलन में फन थी सके तो ये कैटवॉक होंगी अस तिखारे वही कैटवॉक कंधा मानू जबरदस्त मुझे ख्याल में वो आर्ट है परफॉर्मिंग आर्ट है जबरदस्त हलण में हुसन पैदा करण गालहाने में हुसन पैदा करण उन जो बेशुमार सूरतू हैं जैसे हेस ताई इंसान ईजाद क्यों उन मुमकिन अगत हली इंसान बी ईजाद करें जे भी फॉर्म्स उन इजहार जहाँ ईजाद अग कया अज अथस सुे कह उ सब आर्ट हैं चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो या कें ऑब्जेक्टिव इजहार की शिकल में आर्ट हो आर्ट है थुले लेखे असाज जहन में होजन खे अंडरस्टैंडिंग हाँ अचूँ था मौजू से ये सारी तमी अई मुझे ख्याल कर बारे में तमाम घना सब का पे जो मिसकंसेप्शन मां टाइम के कुछ कटियां पो इन जो टाइम थोड़ो मौजू तो वो मुझे चाहे पे तो अदब फन आर्ट ए फिलोसॉफी के साइंस के वाजी कर कड़ो फर्क आ पर मौजू ना है पे पे मिसकंसेप्शन जो आम तरह उथन